तो सबसे पहले हिंदुत्व की टीम से मेरे साथ हैं आशीष शर्मा जी, नमस्ते, नमस्ते, स्वागत है। तो आशीष जी, हिंदुत्व ये जो टाइटल आज रिलीज किया है उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड के सीएम हैं उनके साथ, तो आपको क्या लगता है कि ये कुछ तहलका महल मचाएगा, क्या होगा इसका? तहलका तो पता नहीं, पर आई थिंक क्योंकि जो हमारा इस समय का जो सिनेरियो है देश का, उसमें बहुत ही ज़रूरी एक कहानी है, एक बहुत ज़रूरी नैरेटिव है हिंदुत्व जो हम लेकर आ रहे हैं। और आई थिंक जिस तरह का हमारा सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इस समय हिंदुस्तान का, उसको इस तरह के विचारों की बहुत आवश्यकता है। और आई थिंक जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों इस तरह के विचारों की आवश्यकता है। तो व्हाट इज योर रोल इन हिंदुत्व, कैन यू एलाबोरेट? अभी ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, बट इतना कह सकता हूँ कि आई एम प्लेइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन इट। और उसमें कैसे कुछ रिश्ते हैं, दोस्तियाँ हैं, प्यार है, तकरार है, और राजनीति है, और कैसे जब राजनीति रिश्तों में घुसती है तो क्या होता है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, एंड या दैट्स व्हाट आई एम प्लेइंग। तो हिंदुत्व जब नाम ही आता है तभी थोड़ा बहुत एक राजनीति बैकग्राउंड आ जाता है, एक डिवाइड एंड रूल का जो हमारे ब्रिटिशर्स का जो काम था वो एक समझ में आता है कि हाँ कुछ तो कुछ है कि जिसमें दो भाग में कुछ लोग बटेंगे या कहीं कुछ होगा। तो इज इट इन दैट ट्रैक कि मतलब इसके पीछे पूरा एक कहते हैं जिस्ट क्या है इसका? जिस्ट यही है जैसा आपने बोला कि जैसे ही नाम सुनते हैं तो हम एक नोशन बना लेते हैं अपने दिमाग में, तो उस नोशन को तोड़ते हुए ये फिल्म है। उस नोशन को ही तोड़ने की हमारी ये कोशिश है कि हम लेबल्स ना लगाएं और एक जो पॉपुलर एक मिथ हमने क्रिएट कर लिया है उसको तोड़ने की कोशिश है कि जो एक नैरेटिव क्रिएट हो गया है हिंदुत्व के अराउंड, और वो वैसा है नहीं, और कैसा है, क्यों है, किस लिए है। और जो हमारी फिल्म है वो तो सीधा सीधा हार्मनी की बात करती है, प्रेम की बात करती है, सद्भावना की बात करती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब अगर आपको हार्मनी की बात करनी है तो डेफिनेटली आप दो पक्षों में दिखाएंगे, तो दो पक्षों में आप पहले बांटेंगे फिर मिलाएंगे। बांटो और मिलाओ। अच्छा, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी फर्स्ट एज अ डेब्यू फिल्म है, राइट, इन अ फीचर फिल्म एज अ डेब्यू, तो डू यू थिंक दैट दिस टाइटल इज लाइक यू नो कैचिंग यू फॉर समथिंग, और आप इस टाइटल को लेकर के जरा सा टेंशन में है कि मेरी फर्स्ट फिल्म है एंड दिस इज द टाइटल एंड हाउ इट्स गोइंग टू इफेक्ट माय करियर? नो, नॉट एट ऑल। मतलब अगर वैसे ट्रैजेक्टरी देखूं मैं तो बहुत आसानी से लेबल किया जा सकता है, क्योंकि राम किया, फिर मोदी प्ले किया, और अब हिंदुत्व। तो डर लगता तो वो भी नहीं करता। लाइक अ स्टेपिंग स्टोन वन बाय वन, एंड लाइक अब हिस्ट्री से आके प्रेजेंट में आके नाउ यू आर गोइंग टू द फ्यूचर। जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मोर देन दैट द कहानी जो है हमारी फिल्म की वो बहुत ज़रूरी, और मेरे लिए इंडिविजुअली मैं बात करूँ तो वो नैरेटिव आज के ज़माने में आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह के हमारे इस समय चीज़ें चल रही, हालात हैं हमारे आसपास, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। So do you think you what your future is with this film? Very bright. Very bright. So are you going to enjoy this? Like ab kal se shoot shuru ho rahi hai. Absolutely. Aaj se shoot shuru ho rahi hai. And you, I think I have heard that aapka scene Anoop ji ke saath hai. हाँ, अनूप जी के साथ में है एक सीन पहले जो हम शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन शॉट्स हैं कुछ गंगा में नहाने के, और फिर उसके बाद में अनूप जी के साथ में है एक सीन। सो यार, रियली एक्साइटेड टू बिगिन वर्किंग ऑन इट। हम लोग कुछ एक डेढ़ महीने से इस पर काम कर रहे हैं, मतलब पर्सनली हम लोग काम कर रहे हैं, सर तो शायद तीन सालों से काम कर रहे हैं। और जो डेढ़ दो महीना हमें हुआ है उसके अंदर हमारे वर्कशॉप्स, रीडिंग्स, सब कुछ चल रहा है, तो नाउ फाइनली एवरीथिंग कल्मिनेट्स एंड वी स्टार्ट, एंड या रियली एक्साइटेड। वाओ, ओके। तो एक छोटे मोटे से क्विक क्वेश्चंस हो जाएं। जी, ओके। यू लाइक टेक्सटिंग और कॉलिंग? कॉलिंग। ओके, सो टेक्सटिंग में उतना मजा नहीं है आपको? नहीं, you don't get that feeling, right? No. baat karo na seedha. Seedha baat karo. Idhar bhi dekh liya. Okay. What's your favorite ice cream? Mango. 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 Or mango. Okay, your favorite pizza topping? Pizza topping. I like margarita, like just the cheese. See, I'm talking about all the unhealthy food because looking at your personality, I thought that must be a little bit tempting, right? Right now it is because I'm completely off them. So how do you maintain your physique? I think it's more of discipline, and usually people say ki gym mein banti hai body, nahi kitchen mein banti hai body. Bas,
Absolutely. Abs are made in kitchen. That's what I also believe in. Yes. Okay, so what's your favorite food? Are you a foodie person? Like? Yeah, I'm like brilliantly foodie. Wow. So, I think my favorite food, I'm not much of a Conti or a Chinese or, you know, those kind of a guy. I am very much Desi and I love Indian cuisine. And I love ghar ka khana. And I think favorite comfort food for me would be aloo ka paratha. I just had it in the morning. Oh. I just had it in the morning and it's yum. And can you believe that I am a person who eat only two rotis, but yesterday I eat five rotis. Oh, and it's hota hai. Like, you cannot feel like, oh, it's so satisfying. Yes, so it satisfying. Is. It is. The food, the taste of food and the quality of food. Yes. Is amazing. Especially here in Uttarakhand, it's outstanding. Outstanding. You yes. cannot just stop eating. Yes, yes, absolutely. Okay, so yahan ki kaun si cuisine hai jo aapko pasand aayi ab tak? यहाँ पे मैंने तो मैंने अभी तक खाया नहीं, क्योंकि मैं खा नहीं सकता हूँ अभी. आज के बाद से मैं खा पाऊँगा तो मैं ज़रूर खाऊँगा. या आई नो इट इज़ सैड, बट आई एम वेटिंग टू ईट. यहाँ पर कुछ हरी सब्जी बनती है, कांदली की सब्जी. इट्स समथिंग लाइक स्पिनिच. तो यहाँ का लोकल वो ऐसा स्पिनिच जैसा एक पत्ता होता है, उसकी सब्जी बनती है दैट. एंड यहाँ पर एक लोकल आटा होता है, एम से कुछ नाम होता है, उसकी रोटियाँ बनती है. जैसे कुट्टू काटे की रोटी होती है, ऐसे उसकी रोटी बनती है. एंड आई एम वेटिंग टू हैव दैट वंस आई कैन. ओके आशीष, तो वी से थैंक यू वेरी मच एंड वी गिव यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय होल फॉलोअर्स एंड माय चैनल एंड एवरीवन. थैंक यू सो मच. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर फ्यूचर एंड वी होप टू सी यू अगेन इन मोर फिल्म्स. थैंक यू सो मच एंड लवली चैटिंग विद यू. थैंक यू सो मच.